एक मिट्टी का बहुत बड़ा ऊंचा सा टीला था और उसके ऊपर एक बाज का घोंसला था। उसमें अंडे थे। बाज आती बाहर से खाना वाना लेके आती और फिर अंडों को गर्म करती, फिर चली जाती, फिर आती अपने अंडों को गर्म करती। और एक दिन वो बाज खाना लेने के लिए गई थी तो उसी में से एक अंडे से एक बच्चा बाहर निकला और निकलने के बाद हलचल करने लगा। और भी अंडे थे और उसकी हलचल से एक अंडा नीचे गिर गया और जहां पर नीचे गिरा ठीक वहां पर एक मुर्गी का घोंसला था और वहां पर उसके अंडे रखे हुए थे, उन्हीं में जाके मिल गया। मुर्गी का भी यही काम था जो बाज का था। वो भी आई और वो भी अपने अंडों को गर्म करती और उसने ध्यान ही नहीं दिया, नोटिस ही नहीं किया। बगैर नोटिस किए वो सारे अंडों को वो भी गर्म करने लगी और उन अंडों में बाज का अंडा भी गर्म होने लगा। गर्म होते होते धीमे धीमे हर अंडे से बच्चे निकले तो बाज के अंडे में से भी बच्चा निकला और मुर्गी ने तो नोटिस ही नहीं किया। उसको तो लगा सारे मेरे बच्चे हैं और हर बच्चे को केयर करने लगी, हर बच्चे का पालन पोषण करने लगी, हर बच्चे को दाना लेके आती खिलाती, हर बच्चे को चलना उड़ना सिखाती, हर बच्चे को उठना सिखाती, जीवन जीना सिखाती। और ऐसे ही क्रम चल रहा था और उसी में मुर्गी के बच्चों में वही एक बाज का बच्चा भी था। उन्हीं की तरह चलता, उन्हीं की तरह कुकड़ कू करता, उन्हीं की तरह आगे बढ़ने का प्रयास करता और सारा कुछ कर रहा था। बच्चे घूम रहे हैं, अचानक से उन्होंने आसमान में कोई पक्षी उड़ते देखे और माँ के पास आए, मुर्गी के पास, बोले, माँ ये कोई तो है जो आसमान में इतनी ऊंचाई भर रहा है, ये है कौन? उसने बताया, बच्चे ये तो बाज हैं, इनको ईश्वर ने बहुत ही शक्तिशाली बनाया है, यही लोग आसमान की यात्रा कर सकते हैं, यही लोग आसमान में इतने ऊंचे उड़ सकते हैं, हम तो मुर्गी हैं, हम तो कुकड़ कू करने के लिए पैदा हुए हैं, हम जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, बस यही हमारा काम है। बोले अच्छा माँ। अब उन्हीं में फिर दूसरे दिन की यात्रा, दूसरे दिन दाना चुगने के लिए मुर्गी के बच्चे निकले, उन्हीं मुर्गी के बच्चों में बाज का बच्चा भी था, क्योंकि वो तो मुर्गी को ही अपनी माँ समझता था, क्योंकि जब उसने आंखें खोली तो मुर्गी को ही अपनी माँ के रूप में पाया। और जब वो देखा कि जो चील, जो बाज के बच्चे थे और बाज थे, एक ऊंचे टीले पे से और क्या डाइव मार रहे थे और वहां से एक टेक ऑफ कर रहे थे, उसने उड़ते हुए ऐसे टेक ऑफ करते हुए देखा तो फिर माँ के पास आया। मैंने देखा कि वो लोग क्या ऊंचे टीले पे चढ़ते हैं और ऊंचे टीले पे से बैठ करके वहां से डाइव मारते हैं और ऊंचा उड़ जाते हैं। चलो हम भी चलते हैं, हम भी अगर कोशिश करेंगे तो आसमान की ऊंचाई को हम भी देख पाएंगे, और ऊंचे टीले पे जाते हैं और वहां से डाइव मारते हैं। तो माँ बोली, पागल मत बन, ऊंचा टीला उन्हीं के लिए है, ये हमारे बस की बात नहीं, हमारे भाग्य में नहीं है वो ऊंचा टीला और हमारे भाग्य में आसमान की ऊंचाई नहीं है, रहने दे, हमारा तो यही है कुकड़ कू करते रहो। और पता नहीं क्या हुआ, ये बोल के चले गए। अगले दिन की बात, वो बाज का बच्चा इस बात को माना नहीं और माने बिना चुपचाप अकेला अंधेरे में चल निकला और ऊंचे टीले पे चढ़ने के लिए, और चढ़ते चढ़ते ऊंचे टीले पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद और उसने वहां से ऊंचे टीले पे चढ़ के डाइव मारा और सचमुच में वो उड़ने लगा। और जब उड़ने लगा तो उड़ते 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 बाकी जो बाज उड़ रहे थे उनके नजदीक पहुंच गया और बोला कि यार आज जीवन में पहली बार मैंने उड़ते हुए अपने आप को पाया, ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है और आप लोग तो डेली इसको एंजॉय करते हैं। तो बाकी लोग बोले कि अरे तू तो हमारी ही बिरादरी का है, हम में से ही एक है, तू इतने दिन से हम तेरे को नोटिस कर रहे थे, तू मुर्गियों के साथ कुकड़ कू करता रहता था, समझ में नहीं आता था क्यों करता रहता था, तू तो हमारी बिरादरी का है, तू तो हमारे सक्सेसफुल लोगों में से एक है, तू तो डायमंडों में से एक है, तू समझ में नहीं आता नौकरी में कुकड़ क्यों करने लगा हुआ था, समझ में नहीं आता तू वहां पर कुकड़ क्यों करने लगा हुआ था, अरे तू हमारे ही खानदान का है भाई, डायमंड बनने के वाले खानदान का है और तू बन सकता है।